तो सभी को सबसे पहले जय श्री राम। तो भले वो आज के वीडियो में अपन लोग बात करने वाले हैं सत्य प्रेम की कथा की मूवी रिव्यू के ऊपर। तो कैसे यार, आज के दिन यहाँ पर से 29 जून को मूवी सारे थिएटर्स के अंदर रिलीज हो चुकी है। जल्दी से जाके मैंने मूवी को यहाँ पर से देख लिया। मूवी देखने के बाद कैसे यहाँ पर से मेरे को मूवी के अंदर क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, इन सारी चीजों के बारे में आज के वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ। तो कैसे अगर यार आप लोग के माइंड में यहाँ पर से कंफ्यूजन होगा कि आप लोग को ये मूवी देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए, तो कैसे रियल वीडियो देखने के बाद आप लोग एकदम यहाँ पर बिल्कुल से क्लियर हो जाओगे कि यार आप लोग को ये मूवी देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए। तो बस उसके लिए यार वीडियो कहीं भी स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक देखना। तो भाई लोग वीडियो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस सबसे पहले अपन लोग बात कर लेते हैं कि अपने को यार मूवी में यहाँ पर से कौन कौन दिखने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पर से लीड एक्टर में अपने को कार्तिक आर्यन देखने के लिए मिलेंगे, एंड गाइस उसी के अपोजिट में यहाँ पर से कियारा आडवाणी देखने के लिए मिलेंगे लीड एक्ट्रेस के रोल में। और गाइस उसके बाद यहाँ पर से अपने को कॉमेडी के लिए राजपाल यादव मूवी के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। तो गाइस यार इसके बाद बात कर लेते हैं इनके परफॉर्मेंस की। तो गाइस यहाँ पर से कार्तिक आर्यन का नाम यहाँ पर से सत्य प्रेम होता है मूवी के अंदर, एंड गाइस उसी के बाद यहाँ पर से कियारा आडवाणी का जो की नाम है वो कथा होता है। तो गाइस यार इसी के बेसिस में यहाँ पर से मूवी का भी नाम सत्य प्रेम की कथा यहाँ से रखा गया है। तो गाइस यार अब बात कर लेते हैं कार्तिक आर्यन की परफॉर्मेंस के बारे में। तो गाइस यहाँ पर से कार्तिक आर्यन का परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छा है। बाकी गाइस यहाँ पर से उनका यार जो कॉमेडी वाले सीन है वो यार काफी ज्यादा यहाँ पर से ओवर एक्टिंग वाली नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था यार कि वो यहाँ पर सबसे ज्यादा मूवी से अभी तक आगे बढ़ ही नहीं पाए हैं। बाकी गाइस यार वो ओवर एक्टिंग वाले सीन्स को यहाँ पर से छोड़ दें तो इमोशनल सीन्स और यार काफी सारे सीन्स है जो कि कार्तिक आर्यन ने काफी अच्छे से यहाँ पर से किया है। बात करें अपन कियारा आडवाणी की, तो गाइस अभी तक अपन कियारा आडवाणी के जितने भी मूवी यहाँ पर से देखे हैं और यार उनका जो काम था यार उन सारे मूवीज में सेम यार उसी तरीके काम इस मूवी में भी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। देन गाइस इसके बाद बात करते हैं राजपाल यादव की कॉमेडी के बारे में। तो गाइस यार राजपाल यादव का एक टाइम था यार जब यार उनका कॉमेडी यहाँ पर से उनको देख के ही यार यहाँ पर से हंसी आना स्टार्ट हो जाता था। लेकिन गाइस आज के दिन में यार ऐसा लग रहा है कि राजपाल यादव को यार यहाँ पर से कॉमेडी करनी पड़ रही है, जो कि यार देखने में उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता है पहले टाइप की। बाकी गाइस ये तो अच्छा से बिल्कुल भी पता चल ही नहीं रहा कि राजपाल यादव की कॉमेडी यहाँ पर से अब ऐसी हो गई है कि यार उनको अच्छी से यहाँ पर से स्क्रिप्ट यहाँ पर से मिल नहीं रही है। तो गाइस यार इन तीनों का कुछ काम इस तरीके से था। बाकी गाइस बात करते हैं स्टोरी की। तो गाइस यार स्टोरी यहाँ पर से मूवी में यार काफी ज्यादा यहाँ पर से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पर से अगर आप लोग सोच के जाओगे तो आप लोग को वो नहीं मिलने वाली। मूवी की स्टोरी यार कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पर से नहीं होने वाला, ना कि मूवी के अंदर भी आप लोगों को कुछ एकदम ज्यादा एकदम हाई फाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ चीज देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर से गाइस मूवी की स्टोरी वही है जो कि बॉलीवुड की हर तीसरे से चौथे फिल्म में आप लोग यहाँ पर से देखने के लिए मिल जाती है। लेकिन गाइस यहाँ पर से यार मूवी में यहाँ पर से कहानी कुछ कुछ देखा हुआ है और कुछ कुछ यहाँ पर से नया भी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। तो गाइस इसका मतलब ये तो है कि आप लोग को मूवी कहीं भी बोर नहीं करेगी। आप लोग स्टार्टिंग से एंड तक यार मूवी को यहाँ पर से देख लोगे, आप लोग कहीं भी बोर नहीं होगे, मूवी आप लोग को एंड तक बांध के रखेगी। सो इस बात करें इसके बाद सॉन्ग्स की, तो यार मूवी का सॉन्ग्स यहाँ पर से काफी ज्यादा बेहतरीन है। यहाँ पर से वो गुज्जू पटाखा हो या फिर और सॉन्ग्स हो, यहाँ पर से यार मूवी के जितने भी सॉन्ग्स है उसको आप लोग काफी ज्यादा इंजॉय यहाँ पर से करने वाले हो। मूवी की स्टोरी लाइन एक तरफ, तो यार उसके तरफ एक तरफ यहाँ पर से मूवी के सारे सॉन्ग्स। मेरे को यार पर्सनली बता रहा हूँ मूवी की स्टोरी से ज्यादा तो मेरे को यहाँ पर से मूवी के सॉन्ग्स पसंद आए हैं। तो कि यहाँ पर से आप लोग देख सकते हो कि यार इतने सारे चीज थे सारे मूवी के अंदर जो कि मैं आप लोगों को बता दिया। तो कि यार इतने सब सुनने के बाद अगर आप लोग यहाँ पर से क्लियर हो गए होगे तो यार आप लोग यहाँ पर से मूवी को देख सकते हो या नहीं देख सकते हो वो आप लोग यहाँ पर से मूड जमा सकते हो। तो ओवरऑल कैसे यहाँ पर से मूवी तो वन टाइम वॉचेबल है, बिल्कुल आराम से है। आप लोग मूवी में कहीं भी बोर नहीं होगे। आप लोग यार जो पैसा टिकट का यहाँ पर से दे के जा रहे होगे वो यार आप लोग का कवर यहाँ पर से हो जाएगा, लेकिन यार वो टिकट के कवर के पैसे के प्लस आप लोग को और कुछ पैसा मिल जाए इस तरीके से नहीं होने वाला। मूवी यार एकदम यहाँ पर से एवरेज है, वन टाइम वॉचेबल है। आप लोग एक बार इसको आराम से एंजॉय कर सकते हो फैमिली के साथ। आप लोग यार फैमिली के साथ बिना किसी दिक्कत के मूवी को देख सकते हो। तो गाइस यार फिलहाल आज के वीडियो के लिए तो इतना ही था। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और गाइस ऐसे ही वीडियोस के लिए जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर से ऑल पे कर लेना। तो भाई लोग आज के वीडियो के लिए बस इतना ही यार, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।